आज हम जिस फिल्म की स्टोरी की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है क्रैक। यह एक थाई मूवी है जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एंड कमाल का शॉकिंग है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। रुजा एक सिंगल मदर है जो अपनी लड़की रैशल के साथ न्यूयॉर्क में रहती है। रैशल का कॉर्निया डैमेज है जिसकी वजह से उसे आंखों से धुंधला यानी ब्लर दिखाई देता है। उसकी इस बीमारी के लिए काफी खर्चा आने वाला है। रुजा उसके ऑपरेशन के पैसे जुटाने में लगी है। रैशल अपनी मम्मी से एक ही सवाल करती रहती है कि क्या मैं अंधी हो जाऊंगी। रुजा उसके सवाल का एक ही जवाब देती रहती है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, तुम पहले जैसे देखने लगोगी। ऐसे हालात में रुजा अपने मरे हुए पति को काफी मिस कर रही है। एक रात रुजा के डोर पे नॉक होता है। दरवाजे पे उसके डैडी का दोस्त विचाई होता है। किसी इम्पोर्टेंट वजह से वह थाईलैंड से न्यूयॉर्क आया है। वह चाहता है कि रुजा उसके साथ थाईलैंड आ जाए, मगर रुजा किसी वजह से वहाँ वापस जाना नहीं चाहती, क्योंकि रुजा को उसके पास्ट को लेके अजीब से विजन्स आते रहते हैं, जिसमें उसकी माँ की आत्मा उसे वापस थाईलैंड जाने से मना करती है। मगर रुजा को अपनी बेटी की सर्जरी जल्द से जल्द करानी है, तो वह पैसे की लालच में थाईलैंड उसके पुराने घर जाती है। चारों तरफ जोरदार बारिश चल रही है जिसने माहौल को और मिस्टीरियस बना दिया है। वह इलाका चियांग माई का जंगल है जिसके चारों ओर पहाड़ी है, और उस जंगल के बीचों बीच रुजा के मम्मी डैडी का वह घर है। उस घर को लेके रुजा के दिल में कुछ बैड मेमोरीज है जिसकी वजह से वह वहाँ वापस नहीं आना चाहती। उसकी माँ की मौत कुछ ही महीनों पहले हो चुकी है और डैडी की मौत एक महीने पहले हुई है। रुजा रैशल को लेके उस घर में एंट्री करती है। घर काफी बड़ा है। घर की केयर टेकर डा उनका स्वागत करती है। विचाई चाहता है कि रुजा एक बार अपने डैडी का पेंटिंग स्टूडियो देखे, जिसकी वजह से उसने रुजा को इतनी दूर बुलवाया है, क्योंकि उस स्टूडियो में कुछ बेहद कीमती पेंटिंग्स है जो रुजा के डैडी ने पेंट की हुई है, तो उन्हें बेचने के लिए रुजा की परमिशन जरूरी है। रुजा रैशल को डा के साथ छोड़ के विचाई के साथ स्टूडियो जाती है। रुजा उस मनहूस स्टूडियो जाना नहीं चाहती, और ऐसा क्यों है यह आगे जाके हमें पता चलता है। स्टूडियो में बहुत सारी पेंटिंग्स है जिसमें दो पेंटिंग्स खास है। विचाई पेंटिंग पे से चादर हटाता है तो हमें दिखाई देता है वो पेंटिंग्स किसी ट्राइबल वुमन की है। उन पेंटिंग्स को देख के रुजा को इल्यूजन्स होते हैं। वो पेंटिंग्स उसके डैडी ने 20 साल पहले बनाई थी। विचाई बताता है कि पहली पेंटिंग्स उसके डैडी ने कुछ मिलियन डॉलर में किसी को बेची थी, मगर एक रात उस पेंटिंग के खरीदार ने अपनी पूरी फैमिली को मार के खुद सुसाइड की थी, और पेंटिंग के सामने उसने एक चीट लिख के रखी थी कि मैं तुम्हें तुम्हारे बनाने वाले के पास वापस भेज रहा हूं। और इसीलिए वो पेंटिंग वापस उस स्टूडियो में आ गई थी। विचाई रुजा को बताता है कि आज के तारीख में उस पेंटिंग्स की कीमत मिलियन डॉलर्स में है, तो वो रुजा की परमिशन चाहता है। रुजा को भी पैसे की जरूरत है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। विचाई को एक ही बात का दुख है कि रुजा ने उसे एक बार भी पूछा नहीं कि उसके पिताजी की मौत कैसे हुई। विचाई रुजा को बताता है कि उसके डैडी ने खुद को रस्सी से लटकाकर सुसाइड की थी। तो दूसरी ओर डा से हमें यह भी पता चलता है कि रुजा की माँ ने भी रस्सी से लटक के सुसाइड की थी। विचाई रुजा को बताता है कि पेंटिंग्स में कुछ क्रैक्स है, तो उन्हें बेचने के पहले रिस्टोर करना पड़ेगा, जो उसका लड़का टीम करेगा। रुजा विचाई से कहती है कि जल्द से जल्द उन पेंटिंग के साथ वह उस घर को भी बेचना चाहती है। यहाँ रैशल विंडो में से बाहर का नजारा देख रही होती है कि अचानक उसके गले के ऊपर एक रेड कलर का स्कार्फ आके गिरता है। उस स्कार्फ को देख के डा डर जाती है और वह स्कार्फ रैशल के गले से हटाती है। कुछ देर बाद रैशल को कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है, तो वह देखने बाहर आती है तो सामने की रूम के दरवाजे में किसी का कपड़ा हमें दिखाई देता है। मगर जैसे ही वह उसकी तरफ जाती है, पीछे से रुजा की आवाज आती है और वह कपड़ा अंदर खींचा चला जाता है, मानो उस दरवाजे के पीछे कोई है। रात को डा जंगल से गुजरते हुए एक पुराने घर के पास आती है और अपनी थैली में से वही रेड कलर का स्कार्फ निकाल के घर की सीढ़ी के रेलिंग पे बांधती है। तभी जोरों की हवा बहने लगती है और हमें घर के अंदर खिड़की की कांच पे किसी का हाथ दिखाई देता है। वो देख के डा भागने जाती है, मगर वह नीचे गिरती है। वो मुड़ के देखती है तो वही रेड कलर का स्कार्फ उसके पैर पे बंधा होता है, और वह उसे घर की ओर खींचता है। यहाँ छोटी रैशल स्टूडियो जाके अपने ग्रैंडपा की पेंटिंग्स देखना चाहती है, मगर रुजा उससे कहती है कि वह डरावनी पेंटिंग्स देख के नाइटमेयर आते हैं, तो उन्हें नहीं देखना चाहिए। रैशल की बातें सुनकर रुजा को अपनी माँ के साथ वाले वह बचपन के पल याद आते हैं, जब उसकी माँ भी उसे डैडी के स्टूडियो जाने को मना करती थी। रात को रुजा और रैशल सो जाते हैं, मगर किसी आवाज से रुजा जाग जाती है। वह उठ के देखती है तो बेड पे रैशल नहीं होती, तो वह रैशल को ढूंढने निकलती है, तो उसे रैशल नीचे भागती हुई नजर आती है। वह उसे देख ही रही है कि अचानक रैशल की पीछे से आवाज आती है। रुजा चौंक जाती है। रैशल रुजा की तरफ बढ़ती ही है कि तभी अचानक बेड के नीचे से एक भयानक हाथ आके रैशल के पैर को पकड़ता है। रैशल जोर से चिल्लाती है। उसकी चीखें सुनकर रुजा
उसकी तरफ दौड़ती है, मगर इसके पहले कि वो रूम के अंदर जाए, रूम का दरवाजा बंद होता है। रुजा दरवाजे के अंदर अपना हाथ डालती है, कोई ताकत दरवाजे के अंदर से उसके हाथ को नोच लेती है। रुजा जाग जाती है, हाँ वो उसका सपना होता है। सुबह हो चुकी है, अब रुजा बेड की तरफ देखती है तो बेड पे रैशल नहीं होती। वह डर के घर के बाहर आती है। अब जंगल में रुजा और डा दोनों रैशल को ढूंढने लगते हैं। रैशल को ढूंढते ढूंढते रुजा स्टूडियो आती है तो चद्दर में ढकी हुई एक डरावनी सी चीज उस पर हमला करती है, मानो उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। रुजा डर के वहाँ से निकल जाती है। यहाँ रैशल घने जंगल में चलते जा रही है कि अचानक एक कोबरा उसे काटने वाला ही होता है कि कोई उसे ऊपर उठा लेता है। रुजा और डा दोनों रैशल को जंगल में ढूंढ रहे हैं कि उन्हें सामने से एक हैंडसम आदमी रैशल के साथ आता हुआ दिखाई देता है। वह आदमी रुजा को अपना नाम टीम बताता है। वो बताता है कि वो विचाई का बेटा है और पेंटिंग की रिस्टोरेशन के लिए आया है। रैशल रुजा को बताती है कि रेड स्काफ वाली एक औरत उसे अपने साथ जंगल ले आई। रुजा उसकी बातों पे विश्वास नहीं करती। अब सब घर आ जाते हैं। रैशल और टीम की दोस्ती हो जाती है, मगर ना जाने क्यों डा उसे शक की निगाहों से देख रही है। अब टीम स्टूडियो आता है, उसकी नजर जमीन पे पड़े एक बॉक्स के ऊपर जाती है जिसमें कुछ पुराने फोटोग्राफ्स होते हैं। तभी टीम को क्रैकिंग की आवाजें सुनाई पड़ती है। वो पेंटिंग्स को गौर से देखता है तो अब उनके ऊपर कुछ क्रैक्स पड़े हैं। टीम यह सब दिखाने के लिए रुजा को स्टूडियो लेके आता है। पेंटिंग पे हुई वो डैमेज देख के रुजा भी हैरान हो जाती है। अब टीम एक क्रैक को पील करता है तो उसके अंदर से बाहर आई हुई एक आंख दिखाई देने लगती है, मतलब उस पेंटिंग के अंदर और एक पेंटिंग होती है। वो सब देख के रुजा डर जाती है। टीम जानना चाहता है कि अंदर क्या है, मगर रुजा उसे वैसा करने से रोकती है। वो पहले से डरी हुई है। टीम को लगता है कि शायद रुजा उन पेंटिंग को भूतिया समझ रही है। वो उसे समझाता है कि पेंटिंग्स की खासियत यही होती है कि हम उसे जिस एंगल से देखे हमें लगता है वो हमारी तरफ ही देख रही है। यह साबित करने के लिए वो रुजा को पेंटिंग के दोनों कॉर्नर जाने को बोलता है और सचमुच रुजा जहाँ जाती है वहाँ उस पेंटिंग की आंखें उसे फॉलो करके घूरने लगती है। अचानक वह आंखें रुजा को ऐसे देखने लगती है मानो उनमें जान आ गई हो। अब रुजा पूरी तरह डर जाती है, वो घबर के वहाँ से निकल जाती है। अब टीम ऊपर की पेंटिंग को खुरेदने का काम शुरू करता है। रुजा घर पे आती है तो ऊपर से उसके सामने एक पुरानी ड्राइंग आके गिरती है जिसका संबंध उसके बचपन से होता है। रुजा भाग के ऊपर जाती है तो देखती है डा ने कपाट में से एक पुराना बैग निकाला हुआ है जिसमें रुजा के बचपन की कुछ यादें हैं और उसी में से एक ड्रेस रैशल पहन के देखना चाहती है। वो देख के रुजा डा और रैशल पे गुस्सा होती है। अब उन ड्राइंग्स को देख के रुजा को बचपन की वो बात याद आती है। दरअसल वो ड्राइंग रुजा की ही होती है। रुजा उसी पुराने घर के पास है जहाँ पिछली रात डा वो स्कार्फ बांधने आई थी। छोटी रुजा घर के अंदर जाने लगती है कि ऊपर से खून टपकने लगता है। रुजा ऊपर देखती है तो उसे एक मरा हुआ सांप दिखाई देता है। अब वही सांप रुजा को अपने बेसिन के ऊपर दिखाई देने लगता है, मगर वह उसके इल्यूजन्स होते हैं। तभी उसे रैशल की चीख सुनाई पड़ती है। वो रैशल के पास जाती है तो रैशल उसे बताती है कि बेड के नीचे कोई है। अब रुजा बेड के नीचे झुक के देखने लगती है तो उसे किसी का पैर दिखाई देता है। अब वह बेड के ऊपर देखती है तो एक प्रेतात्मा रैशल को पकड़ के बैठी होती है जिसने रैशल की दोनों आंखें निकाली है। तभी वह रेड स्कार्फ पीछे से आके रुजा को गले से पकड़ के पीछे की ओर खींचता है। रुजा कैसे वैसे अपने आप को छुड़ा के बेड की तरफ जाती है और रैशल को लेके नीचे भागती है। अब वो उस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती। वो टीम से कहती है कि वो उन दोनों को यहाँ से लेके जाए। बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है। टीम रुजा से कहता है कि जैसे ही बारिश रुकेगी वो उसे लेके जाएगा। अब टीम रैशल और रुजा का डर दूर करने के लिए एक घुंघरू वाला पेंडेंट रैशल के पैर पे बांध देता है। वो रैशल से कहता है कि इसकी मैजिकल आवाज से प्रेतात्माएं दूर भाग जाएगी। टीम रुजा को बताता है कि वह भी बड़ा पेंटर बनना चाहता था, मगर बाप की छत्र छाया में वह बनना उसके लिए मुश्किल था, तो वह पेंटिंग रिस्टोरर बन गया। अब जैसे ही बारिश रुकती है रुजा टीम को बुलाने रैशल के साथ स्टूडियो आती है। टीम उसे कुछ दिखाना चाहता है तो रुजा रैशल के साथ अंदर आती है, मगर वह नहीं चाहती कि रैशल वो पेंटिंग देखे, तो वो रैशल को पेंटिंग की तरफ पीठ दिखा के एक चेयर पे बिठाती है। टीम ने ओरिजिनल पेंटिंग की पील निकाल के अंदर की पेंटिंग को रिवील किया है। अब हमें अंदर एक आदमी का चेहरा दिखाई देता है। वो वही आदमी है जिसने अपनी फैमिली को मार के सुसाइड किया था। टीम को लगता है कि पेंटिंग की कुछ तो मिस्ट्री है, तो वह पेंटिंग को पूरा पील करना चाहता है, मगर रुजा को लगता है कि ऐसा कुछ करने से अनहोनी ना हो जाए। वह बस अपनी लड़की के साथ वहाँ से निकलना चाहती है। तो अब टीम अपनी कार से रुजा और रैशल को लेके निकलता है, मगर रास्ते में कार खराब हो जाती है। पिछली सीट पे बैठी रैशल को धुंधली आंखों से जंगल में कुछ दिखाई देता है। टीम गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है कि तभी अचानक ऊपर से कोई चीज आके पिछली विंडो से टकराती है। रैशल चीखती है,
रुजा उतर के पिछली सीट पे देखती है तो रैशल गायब हो चुकी है। अब टीम और रुजा रैशल को ढूंढने निकलते हैं। रैशल किसी चीज के पीछे जा रही है कि उसे रास्ते में डा पकड़ लेती है। यहाँ रुजा रैशल को ढूंढ रही है कि अचानक एक स्काफ उसके पैरों को पकड़ के उसे जंगल में खींच के ले जाने लगता है। वो उसे उस पुराने घर के सामने लाता है। रुजा घर के अंदर जाती है तो एक कैनवस पे एक लड़की की फेसलेस पेंटिंग होती है। अब रुजा वहाँ से भाग के जंगल में जाती है तो दूसरी तरफ डा रैशल को एक कुएं के पास लाके उसे अंदर धकेलना चाहती है। तभी रुजा वहाँ आ जाती है और उसे रोकने जाती है। डा रुजा से कहती है कि अगर वो रैशल की बलि नहीं देगी तो वो उसे मार डालेगी। डा रुजा को बताती है कि उसने उस प्रेतात्मा के साथ सौदा किया है। वह प्रेतात्मा चाहती है कि रुजा का पूरा परिवार खत्म हो। तभी पीछे से टीम आके रैशल को बचाता है और डा को कुएं में धकेलता है। अब वह तीनों स्टूडियो आते हैं। रुजा को लगता है कि यह सब उन पेंटिंग की वजह से हो रहा है तो वह उन पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करने जाती है, मगर टीम उसे रोकता है। तभी वह प्रेतात्मा रैशल के शरीर में प्रवेश करती है। वह आत्मा रुजा से कहती है, तुम्हारी बुरी फैमिली की वजह से मेरी यह हालत हुई है। तभी दोनों पेंटिंग पूरी तरह क्रैक होके उनके छिलके निकलने लगते हैं। रैशल के शरीर में बसी वह आत्मा रुजा पे हमला करती है, मगर रुजा जैसे ही रैशल को चाटा मारती है रैशल बेहोश होती है। अब उन पेंटिंग के पीछे छुपी असली पेंटिंग रिवील होती है, जिसमें एक पेंटिंग में हमें दिखाई देता है कि एक औरत फंदे से लटकी हुई है और एक छोटा बच्चा उसके पैर को उठा के उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी पेंटिंग में दिखता है कि उसी औरत पे तीन लोग टॉर्चरिंग करके अत्याचार कर रहे हैं। अब लाइट फ्लिकर करने लगती है और उन पेंटिंग में से वह औरत बाहर आके रुजा और टीम को डराने लगती है। तभी वहाँ पे विचाई आ जाता है, मगर टीम उसके सर पे वार करके उसे बेहोश करता है। अब हमें पता चलता है वहाँ हो रही मिस्टीरियस घटनाओं के पीछे टीम का हाथ है। टीम ने अब रुजा को फंदे से बांध के रखा है और यह टीम विचाई का लड़का नहीं है। टीम ने विचाई के लड़के को मार डाला है। टीम विचाई को गन दिखा के पेंटिंग के पीछे की हिस्ट्री जानना चाहता है। विचाई बताता है 20 साल पहले उस रात पैकॉन ने अपने दो दोस्तों को पार्टी के लिए स्टूडियो इनवाइट किया था और वो ट्राइबल औरत जिसका नाम प्राक था वो पैकॉन की मॉडल थी। पैकॉन एक ऐसी क्रिएशन बनाना चाहता था जिसमें कुछ लोग एक औरत पे अत्याचार कर रहे हो, तो अब उन दो दोस्तों के साथ विचाई भी शामिल हो जाता है। पैकॉन उस लाइव अत्याचार को पेंट करता है और उसी में से अपने एक दोस्त को वो पेंटिंग बेच देता है। उस दोस्त की मौत के पीछे टीम का ही हाथ था। अब हमें पता चलता है कि टीम उस ट्राइबल औरत का लड़का है जो अपनी माँ का बदला इन सब से ले रहा है। टीम विचाई को मार डालता है। अब टीम दूसरी पेंटिंग की तरफ बढ़ता है। पेंटिंग में प्राग को बचाने वाला वो छोटा लड़का दरअसल टीम ही है। अब स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें बचपन की रुजा दिखाई देती है जो चोरी छुपे अपने डैडी के स्टूडियो में झांक के देखती है। अंदर उसके डैडी के साथ वही पेंटिंग वाली औरत यानी प्राग दिखाई देती है। पैकॉन अपनी मास्टर पेंटिंग बनाना चाहता है जिसमें वह औरत पे हो रहे टॉर्चरिंग को दिखाना चाहता है। प्राग अपने लड़के टीम के साथ वही पास में एक पुराने घर में रहती है और टीम दरअसल पैकॉन और प्राग के नाजायज संबंधों से जलमा हुआ है। बचपन से ही टीम को पेंटिंग का शौक था तो छोटी रुजा उसे कलर पेस्टल गिफ्ट दिया करती थी जिसकी वजह से उनमें दोस्ती हो गई। मगर रुजा की माँ को लगता है कि प्राग ने अपनी काली जादू से उसके पति को वश में किया है, तो वह डा के जरिए एक मांत्रिक से प्राग के घर पे काला जादू करती है जिससे रुजा डर जाती है। रुजा की माँ उससे कहती है कि प्राग और टीम अच्छे लोग नहीं है, वह शैतान के पुजारी है, वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनसे दूर रहो। वह रुजा से कहती है कि अगर वह तुम्हारे पास आ जाए तो ऐसे दिखावा करो जैसे वो तुम्हें दिख ही नहीं रहे हैं। एक रात पैकॉन अपनी मास्टर पेंटिंग बनाने जाता है तो वह प्राग को रस्सी से बांध के फंदे से लटका देता है जिससे उसे प्राग के चेहरे पे मन चाहे टॉर्चरिंग के एक्सप्रेशन मिल जाए, मगर फंदे की वजह से प्राग का दम घुटने लगता है। पैकॉन उसके दर्द को नजरअंदाज करके उस हालत में उसे पेंट करते जाता है। रस्सी पे लटक रही प्राग दर्द से झटपटाने लगती है। तभी वहाँ पे छोटा टीम आके अपनी माँ को बचाने की कोशिश करने लगता है। वह अपने डैडी को माँ को नीचे उतारने की गुजारिश करता है, मगर पैकॉन पूरी तरह अपनी पेंटिंग बनाने में लगा है। तभी टीम बाहर खड़ी रुजा को मदद के लिए बुलाता है, मगर डरी हुई रुजा सिर्फ देखती रह जाती है और खुद से यही कहती है जो उसकी माँ ने उसे कहा था कि अगर तुम उन्हें अनदेखा करो तो वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। पैकॉन रुजा को वहाँ देख के उस पे गुस्सा होता है। तभी रुजा की माँ आके उसे वहाँ से ले जाती है और बिचारी प्राग फंदे पे दम तोड़ देती है। डा और विचाई टीम और प्राग को उस कुएं में फेंक देते हैं, मगर टीम बच जाता है। टीम यह सब बात रुजा को बताता है। टीम को इसी बात का गुस्सा है कि रुजा ने उस रात सब देखते हुए भी उसकी मदद नहीं की जिसकी वजह से उसकी माँ मर गई। टीम रुजा से कहता है कि बचपन से वह उसे पेंट करना चाहता था, वह फेसलेस पेंटिंग दरअसल रुजा की ही थी। टीम रुजा से कहता है कि अब वह उसके बदले उसकी लड़की को पेंट करेगा
और उसी तरह पेंट करेगा जिस तरह पैकॉन ने उसकी माँ को पेंट किया था। अब रुजा टीम के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। रुजा चाहती है कि टीम रैशल को छोड़ के उसे टॉर्चर करे, मगर टीम चाहता है कि रुजा उसकी लड़की को उसके सामने टॉर्चर होते हुए मरता हुआ देखे, तभी उसका बदला पूरा होगा। अब टीम ब्रश निकालने अपनी बैग में हाथ डालता है तो उसे बैग में रखा कोबरा काट लेता है। दरअसल वो कोबरा उसकी बैग में डाने ही रखा था, क्योंकि वो विचाई के असली बेटे को मारना चाहती थी जो प्राग की पेंटिंग में बसी सच्चाई को मिटाने आ रहा था। डा प्राग की आत्मा को हेल्प करना चाहती थी, उसका दर्द दुनिया के सामने लाना चाहती थी, मगर कोबरा ने उसी के बेटे को डस लिया था। टीम गन से उस कोबरा को मारने में अपने गन की सभी गोलियां जाया करता है। उसी वक्त रुजा नीचे पड़ा कटर उठा के अपना फंदा काटती है। अब टीम रुजा को गला दबा के मारने लगता है तो दूसरी तरफ वह कोबरा रैशल की तरफ मुड़ता है। रुजा टीम के पैर में कटर घुसाती है और कोबरा को मार डालती है। टीम अपने पैर से कटर निकाल के रुजा को मारने जाता है। रुजा वहाँ के सारे कैनवस स्टैंड टीम पे पलट देती है और शराब की बोतल टीम के सर पे फोड़ देती है। फिर वह लाइटर से उसे आग लगा देती है। टीम के साथ उस पेंटिंग में बसी वह प्रेतात्मा भी जल के राख हो जाती है। रुजा रैशल को लेके कार से उस जंगल के बाहर हमेशा के लिए निकल पड़ती है। रुजा रैशल को प्रॉमिस करती है कि वह जिंदगी भर उसे प्रोटेक्ट करेगी, मगर अभी भी एक पेंटिंग पूरी तरह नहीं जली, उसमें अभी भी वह प्रेतात्मा वास कर रही है। एंड में दिखाया गया है कि एक महीने पहले पेंटिंग में बसी उसी प्रेतात्मा ने अपने रेड स्कार्फ से पैकॉन को मारा था। तो क्या अब वह प्रेतात्मा अपना बदला पूरा करने रुजा और रैशल के पीछे जाएगी? मूवी इसी सवाल के साथ खत्म होती है। मूवी के डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर विजिट कीजिए, जिसकी लिंक नीचे दी गई है। और हाँ दोस्तों, हो सके तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।